आजान जो है रात वाले बचे हुए चावल खा रहा है, बची खुची हुई रात की जो भी खुराक पड़ी होती है वो यही खाता है, लेकिन मोटा फिर भी नहीं होता है ना आजान। इतने सालों में मुस्कान ने ये तरक्की तो कर ली कि खूबसूरत से खस्ता से पराठे बनाना सीख गई है मजे मजे के। मेरे लिए तो वैसे ही खूबसूरत बनाती है, पता है क्यों? कि अम्मी तारीफ करेगी जी। सबसे खूबसूरत पराठा जो बनता है वो मुस्कान मेरे लिए लाती है, वो इसलिए कि अम्मी तारीफ करेगी। YouTube चैनल RJ महविश की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वेलकम माय यूट्यूब चैनल RJ महविश। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, सारे आपियों से होंगे। मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक हो। आज जुम्मे का दिन है और तकरीबन हम 11 बजे जा रहे हैं अपनी यूट्यूब इनकम निकलवाने, क्योंकि सारी माँ हम इंतज़ार करते हैं अपनी यूट्यूब इनकम का, और आज इनकम आ चुकी है। मैं और मोहम्मद और अम्मी जा रहे हैं इनकम निकलवाने, और जो भी प्रोसेस होगा हम लाइव शेयर करेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है। हम निकल रहे हैं घर से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ मारो ताले। इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार होता है, और इस माह की इनकम से हम कंजूसी करके घर के न्यू घर के एक कमरे का दरवाजा और खिड़की लाजमी लगवाएंगे। जी व्यूअर्स, हम रोड पर पहुंच चुके हैं, रिक्शे पर बैठते हैं और कोर्ट छूटे चलते हैं। अभी हम YouTube इनकम निकलवा कर बाजार की तरफ जा रहे हैं, महीने का राशन लेंगे, मायरा के कपड़े लेंगे और घर के जो भी ज़रूरत का सामान होगा वो लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं कहती थी कि सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन बाजार जब आई तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। रंग खोल के दिखा लो, उन्हें भी प्रिंट दिखा लो, जब मेरी सिस्टर अगर गिन सी अपनी दी वास्ते तो बोले जी मैं कपड़े गिनना वाला वही गिन लेंगी। जुम्मे का दिन है और बाजार जो है बिल्कुल वैराना सा हुआ है, बाजार में कुत्ते भौंक रहे हैं। हम शूज वाली शॉप पर आ गए हैं। हाँ, अच्छे वाला ब्रश देना चाचू। हम जरूर तशरीफ लाए, यहाँ पर मैं सस्ती चीजें बेच रही हूँ। मुस्कान ने कोट चुट्टे में अपनी शॉप लगा ली है। जरूर तशरीफ लाएं। हाँ ज्यादा अभी तुम्हारे फैन आएंगे। हाँ चाचू नाम आके बता दो। के शॉपिंग सेंटर आप एक बार जरूर तशरीफ लाएं, यहाँ आपको बारियाईत और अच्छी चीजें मिलेंगी। और दसो जी, मुस्कान ने ये खरीदारी कर ली। बहन जल्दी जल्दी पे दो, फिर मैं प्यारे प्यारे फीडर ले जाऊं। ये देखे जी, चाचू भी खुश हुए खड़े हैं। रुक मार का, मुझे दसो मैं घिनू एक फीडर। जहाँ से हम पूरे एक माह का राशन लेते हम वही लेने आए हुए हैं, सारा सामान ले लिया। आपको पता है हमारी हर माह जब इनकम आती है तो इनकम निकलवाने के बाद हम बाजार का चक्कर लगाते हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें होती हैं वो सारी लेते हैं। तो हमने अपनी इनकम निकलवाने के बाद बाजार गए, वहां से हमने अपने एक माह का राशन जिस तरह से आपको पता लिया। उसके बाद मायरा के कपड़े लिए थे, सारे फट चुके थे लोन के गर्मियों के, तो उसके बाद हमने मायरा के कपड़े लिए और अपनी जरूरत की सारी चीजें दिखाने के बाद हमारे पास कितने पैसे बची हैं ये तो आप सबको पता है, आप सभी गिनती है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम अपनी दिखाते हैं शॉपिंग आपको। ये एक एक हज़ार के मायरा के गरम सूट लिए हैं, ये मैरून कलर का है और ये ब्लैक कलर का है और ये पिंक कलर का, ये तीनों 3,000 के आए हैं। 11,500 का हमारा आया है राशन। उसके बाद जो हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली हैं वो दिखाते हैं आपको। ये मैंने अपने लिए ब्रश लिया है, क्योंकि जो ब्रश भी मैं लेती हूँ बच्चे उठा कर यूज़ करती हैं तो मुझे गुस्सा आता है।
ये हैंड और फुट क्रीम ली है मुस्कान ने अपने लिए, क्योंकि सर्दियां आते ही उसके हाथ पांव खराब होना शुरू हो जाते हैं। पीएम ने लिए सो का फेशियल गोल्डन पर्ल का, हमने सोचा कि कभी हम भी अपनी स्किन पे खर्चा कर लें। और इस माह हमने लिया सनसिल्क शैम्पू, कुछ हमारा पिछले माह का बचा पड़ा था, सो एक माह के लिए काफी हो जाता है। ये मेरा और मुस्कान का डव साबुन है, असल तो है ना इतनी तरह महंगा डव साबुन भी 220 रुपए का हो गया, इतना महंगा। ये बच्चों के कपड़ों में डालने वाली इलास्टिक और मायरा के सूटों की लैसे वगैरह है, और सर्दियाँ आपको पता है आना शुरू हुई तो हाथ पाँव रफ होना शुरू हो गए, तो ये हमने लिया है पिंक वैसलीन लोशन। इसको तो ना ही दिखाएं, आपको पता है हमारा महीने का राशन और सब्जियां पड़ी हैं। और इसके बाद हमारे पास जो कितने पैसे बचे, 11,500 का है राशन टोटली, इस तरह से समझ ले 18,500 का हमने ये सामान लिया। 30,000 रुपए दिए हमने अपने कमरे के दूसरे दरवाजा लगाने के लिए, क्योंकि आपको पता है पिछले माह नहीं उससे पिछले माह की इनकम से मैंने एक कमरे का खिड़की दरवाजा लगवा लिया था, दूसरा कमरा जो है वैसे का वैसा खड़ा था, मैंने सोचा इस माह गुंजाइश करके दूसरे कमरे का भी दरवाजा लगवा लेती हूँ। सो 30,000 रुपए हमने उस भाई को दे दिए दरवाजे और खिड़की वाले को, उसके बाद से जो हमारे पास बची है वो आप सबने गिनती करनी है। ये 5,000 वाले हैं, 5, 10, 15, 20। अब बारी आ जाती है 1,000 वालों की, 500 वाला। तो जिस तरह से आप सब हमारी हर माह इनकम की गिनती करके हमें कमेंट में बताती हैं, इस माह भी हमने टोटल गिनती करके बतानी है कि हमारी इस माह की इनकम कितनी आई है। 18,500 का सामान लिया, 30,000 दिए हमने दरवाजे वाले को, उसके बाद ये तो आपने गिनती की होगी, तो टोटली आप बताएंगे नीचे कमेंट में। मैं कल की वीडियो में जिसका कमेंट सही होगा उसका नाम भी शामिल करूंगी और जिसने सही गिनती करके बताया होगा, बाकी उल्टी सीधी गिनती तो आप लोग जल्दी में सभी करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आने की सूरत में मेरे YouTube चैनल RJ महविश को सब्सक्राइब करने के साथ बाकायदगी से वीडियो देखा करें। शाम के 7:30 से 8 बजे हमारी वीडियो लग जाती है। इसके अलावा मैं वही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा Facebook का कोई पेज नहीं है, ना ही कभी किसी पेज पर मैंने नंबर दिए हैं। ये हमारे डेरा गाजी खान के कुछ अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं जो कि एक औरत को मेहनत करता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि मेहनत के रास्ते पर चलकर ये इतनी तरक्की क्यों करती जा रही है। सो हर मुआशरे में हर जगह में हर सिटी में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं, सो किसी के कहने से किसी के किरदार पर कीचड़ उछालने से कोई बुरा नहीं हो जाता। क्या पता अल्लाह पाक की नज़र में हम उनसे बेहतर हों या वो हमसे बेहतर हो, सो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, अल्लाह ने किया। YouTube चैनल RJ महविश की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें।